हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सानज मल्टी क्यूजिन फूड। आज हम बनाएंगे रसमलाई। अगर आपको आज का मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अपलोड किया हुआ नया रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। आप सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के राइट साइड में सब्सक्राइब बटन को टच करें, बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, एक पैन में हम 1 लीटर दूध लिया है। इस दूध को हम उबालेंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तो देखिए, दूध थोड़ा सा थिक हो गया है। आप 3/4 इलायची देंगे, 1/2 कप मावा या खोया देंगे, थोड़ा सा सैफ्रन देंगे, आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हो, 2 टेबलस्पून थिनली स्लाइस किया हुआ आलमंड देंगे, 3 to 4 टेबलस्पून काजू देंगे। देखिए, काजू का हम दरदरा करके कूट लिया है। 2 to 3 टीस्पून रोज वाटर देंगे, 1/2 कप चीनी ऐड करेंगे, या फिर आप अपना टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। 1/2 कप कंडेंस मिल्क देंगे, और अच्छे से मिक्स करके 10 to 15 मिनट्स के लिए इसे लो फ्लेम में बॉईल करेंगे। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं ऐड कर रहे हो तो मावा की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाना है। तो देखिए, 10 to 15 मिनट्स तक हम इसे बॉईल किया है। देखिए, इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया है। तो आप गैस को बंद कर देंगे और पैन को कवर करके रखेंगे। अब एक प्रेशर कुकर के अंदर हम 2 कप चीनी ऐड करेंगे और 5 कप पानी ऐड करेंगे, और इसे बहुत ही अच्छे से उबालेंगे। और आपको ध्यान रखना होगा, इस सिरप का टेक्सचर पतला होगा। आप इस शुगर सिरप को प्रेशर कुकर के जगह पैन में भी कर सकते हो। देखिए, यह हम 2 लीटर दूध का छेना लिया है। इस छेना का रेसिपी आपको मेरी चैनल में मिल जाएगा, और इस छेना का लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। अब छेना को बहुत ही अच्छे से नीट करना है। तो देखिए, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो सेम प्रोसेस में आपको नीट करना है, और तब तक नीट करना है जब तक आपको ना लगे आपका छेना का टेक्सचर सॉफ्ट और स्मूथ सा एक डो बन गया है, तब तक आपको नीट करना है। तो देखिए, सॉफ्ट और स्मूथ सा एक डो बन गया है, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब रोल करके इक्वल साइज़ का बॉल्स बनाएंगे। अब इसे टाइटली राउंड शेप देंगे, और ऊपर से हल्का प्रेस करके इसे चपटा कर देंगे। आप अपना पसंद के हिसाब से कुछ भी शेप बना सकते हो। और आपका बॉल्स बनाने का टाइम, एक बात का ध्यान रखना है कि ऊपर कुछ भी क्रैक का निशान नहीं होना चाहिए। अब बॉइलिंग शुगर सिरप के अंदर छेना बॉल्स को ऐड कर देंगे। ऐड करके प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे एक व्हिसल देंगे, और एक व्हिसल के बाद 2 to 3 मिनट्स के लिए इसे बंद करके ऐसे ही छोड़ देंगे। टू थ्री मिनट्स के बाद ढक्कन हटा के 4 to 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में इसे उबालेंगे, और प्रेशर कुकर का ढक्कन को जस्ट कवर कर देंगे। आप व्हिसल देने का कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट कवर करके रखेंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में। तो देखिए, 4 to 5 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल डबल हो चुकी है साइड में, और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी बनी है। देखिए, अब रेडी किया हुआ छेना बॉल्स को गरम मलाई के अंदर ऐड कर देंगे। देखिए, जैसा आप देख रहे हो, और इसे 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पैन को कवर करके रखेंगे। देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे। आप इसे सर्व कर देंगे। आप इसे चिल भी सर्व कर सकते हो, या फिर नॉर्मल भी सर्व कर सकते हो, जैसा आपको पसंद है।
देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब ऊपर थोड़ा सा सैफ्रन स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखिए कोलकाता फेमस यम्मी रसमलाई बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ इसे घर पे ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपना फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अपलोड किया हुआ नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग।